हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल एक बार फिर से संगीताज ब्लॉग में। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं मैं उतने अब नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी सी टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस बार हम लोगों ने दो सनफ्लावर के पौधे लगाए थे। तो एक्चुअली हम लोग को उसको पॉट में लगाना था, बट उस समय सीमेंटेड पॉट अवेलेबल नहीं थे हम लोग के, तो उसको हम लोगों ने ऐसे ही हम लोगों का जो पीछे गार्डन है यहीं पर लगा दिया है। तो अभी देख सकते हैं, ये देखिए इसमें बर्ड भी आ गया है। ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देखिए, ये बर्ड है, ये एक लगा है हम लोगों ने, और ये रहा एक। तो ये टोटल हम लोगों ने दो सनफ्लावर के पौधे लगाए हैं। वैसे तो दूसरे जगह जो लोगों ने लगाया है सनफ्लावर, वहाँ तो इसने फ्लावर्स भी दे दिए हैं, बट हम लोग के अभी तक ये खिले नहीं हैं, कल ही हैं। हाँ, लेकिन हम लोग वाले काफ़ी हेल्दी हैं। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहे ये दोनों सनफ्लावर के पौधे। देखिए बर्ड आ गया है, बट इसको खिलने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी हेल्दी। आप देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, काफ़ी मोटा है, काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो हाइट है वो मैं आपको दिखा दूंगी, पहले आप मेरे दोनों हेल्दी प्लांट्स को देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हाइट से। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए मेरी हाइट और इसकी हाइट देख लीजिए, दिख रहा होगा तो आपको। देखिए मेरे ये कमर से थोड़ा सा ऊंचे पे हुआ है। दोनों का हाइट लगभग आई थिंक सेम है, दोनों अच्छे से ग्रोथ किए हैं, दोनों सेम ही ग्रोथ किए हैं। वैसे तो हम लोग के यहाँ पर सनफ्लावर का खेती भी करता है लोग। आज मैं गई थी उस साइड, बट मैंने वीडियो नहीं बना पाया, मेरे को ध्यान ही नहीं आया, एक्चुअली दूसरे काम से मैं गई थी। और ये देखिए इधर के हम लोगों के मक्के, ये रहे देखिए मक्के भी हम लोगों के कितने अच्छे से हुए हैं। ये देखिए, किसी किसी की हाइट तो मेरे इतनी है, किसी किसी की मेरे से भी ऊँचे हुए हैं, और किसी किसी में आ भी गए हैं। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, देखिए ये देखिए इसमें आ भी गए हैं, मक्के भी आ गए हैं। और हम लोगों का जो बछड़ा है, बछिया हुई है जो, वो तो भी अंदर है, नहीं तो मैं उसका भी वीडियो दिखा देती है। उसके जो सींग होते हैं ना, तो उसको हम लोगों ने वो कर दिया है कि काट दिया जाता है ना, सींग बोलते हैं, तो जिससे कि उसके सींग आएंगे नहीं। तो वैसे तो वो क्रॉस ब्रीड जर्सी ही हो गई है, जर्सी का उसको इंजेक्शन था, हम लोग को पता नहीं चला था। एक्चुअली जो एलाई था उसने बोला था या तो होल्स्टीन होगी या तो जर्सी होगी, तो जब पैदा हुई तब तुम लोगों को पता नहीं चला, बट अभी जो भी से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं मोस्टली सब जर्सी वाले ही आ रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल गया कि वो जर्सी का ही उसने इंजेक्शन उसको दिया था। कुछ वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है, बस इतना ही दिखाना था मेरे को। आम का मैं दूसरे दिन वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी भी हम लोग को सस्पेंशन में है हम लोग की, हम लोग का जो आम है वो कौन सा ब्रीड है, दशहरी है,
आम्रपाली है, चौसा है, कौन सा है अब लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगी कौन सा वो है। और देखिए मेरी गाय थोड़ी सी सींग मारू है ना, इसलिए पास नहीं जा पाते हैं, बट है पर प्यारी और काफ़ी अच्छा मिल्क दे रही है हम लोगों का। बोलते हैं ना 1.5 महीने के बाद थोड़ा सा अच्छे से पता चलता है कि कितना देगी वो, और बस इतना ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, नमस्कार।